गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है माइनक्राफ्ट मॉड वीडियोस का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 तक इनको देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। माइनक्राफ्ट की मॉड वीडियो बनाने के दो रीजन है। नंबर 1, मॉड्स ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आप इन वीडियोस में 10 11 मॉड्स देखते होंगे, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही ट्राई करता हूं। सेकंड रीजन, इन वीडियोस में काफी ज्यादा व्यूज आता है। ओके भाई, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, सीधा चलते हैं भाई मॉड्स की तरफ। आज के मॉड सच में ही काफी ज्यादा तगड़े हैं। का जो जावा वर्जन है मैं जो खेलता हूँ, वो पॉकेट एडिशन या फिर बेडरॉक से काफी ज्यादा अलग है। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। लेकिन फिलहाल के लिए बात करते हैं भाई आर्मर की। बेडरॉक या फिर पॉकेट एडिशन में वैसे दोनों एक ही चीज होती है, बता देता हूँ मैं आपको। तो पॉकेट एडिशन में अपना आर्मर स्टैंड काफी ज्यादा सही होता है, उसके हम डायरेक्शन भी मूव कर सकते हैं, और रेडस्टोन से भाई वो बढ़िया वाला डांस भी करता है। लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक लकड़ी का पीस है जो कि सीधा सीधा खड़ा रहता है। ना इसको हम मूव कर सकते हैं, ना ही इसको रेडस्टोन से लेना देना है। इसीलिए मैंने इंस्टॉल कर लिया भाई मैनिक्विन। ये एकदम एडवांस लेवल का आर्मर स्टैंड इसको कह सकते हो। मैं तो इसको सिंगल प्लेयर वर्ल्ड का फ्रेंड ही बुलाऊंगा। दिखने में तो नॉर्मल वुडन का है, लेकिन काम आपके ये काफी ज्यादा आ सकता है। इसका आप हेड मूव कर सकते हो, इसकी कमर मूव कर सकते हो, इसके दोनों हाथ मूव कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली आप इसको कोई भी आर्मर भी पहना सकते हो, बस लेगिंग्स और बूट को छोड़ के। एंड इसका सबसे ज्यादा तगड़ा यूज तो मैं बताना ही भूल गया, इसको आप पकड़ पकड़ के पीट भी सकते हो। एंड जब भी आप इसको मारोगे तो आपको कुछ हार्ट्स भी दिखेंगे, जैसे कि 2 हार्ट मतलब 2 का डैमेज। इससे आपकी काफी ज्यादा फाइट की प्रैक्टिस हो सकती है। वाला मोड में आपको एक स्टोरी के जरिए बताने का ट्राई करता हूँ। तो ये बात है बहुत ज्यादा पुरानी, जब एक विलेजर हर एक विलेज में जाके ट्रेड करता था, एंड धीरे धीरे वो एक ट्रेडर बन गया जो कि माइनक्राफ्ट प्लेयर और विलेजर से खूब सारी ट्रेड करता था। और एक दिन उसको 2 लामा मिल गए और वो बन गया एक वॉन्डरिंग ट्रेडर। जब भी वो किसी के पास जाता था तो सामने वाला खुश हो जाता था, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी लालच जागा और उसने चीजें कुछ ज्यादा ही बकवास बेचनी शुरू कर दी। एंड उसके बाद उसको कोई भी नहीं पसंद करने लगा, इसीलिए वो सीधा चला गया विच के पास। और विच ने उसको बहुत ही ज्यादा एक तगड़ा सा जादू टोना सिखा दिया, जिसकी मदद से वो एक थीफ में कन्वर्ट हो सकता था। ओके ओके, कहानी बहुत होगी। तो इस मॉड इवल वॉन्डरिंग ट्रेडर, तो हम सबको पता है वॉन्डरिंग ट्रेडर कितना फालतू बंदा है, लेकिन अब हमें उसे इज्जत देनी पड़ेगी इस मॉड के बाद, क्योंकि अगर हम इसे ट्रेड नहीं करते हैं तो भाई ये खतरनाक विलन में चेंज हो, तगड़ा डैमेज देता है। एंड ये तो कुछ नहीं भाई, इसके लामा भी चेंज हो जाते हैं और आपका सामान भी गायब करने लग जाते हैं, और एक बार इसका काम खत्म हो जाए तो वापस से एकदम नॉल वाला ट्रेडर बन जाता है। तो अगली बार से भाई ध्यान रखना, जब भी ट्रेडर आए उससे कुछ ना कुछ ट्रेड कर ही लेना। माइनक्राफ्ट में भला उड़ना किसको पसंद नहीं है, इलाइट्रा से तो भाई मजा नहीं आता, एंड इलाइट्रा को वहाँ से लेकर भी तो आना पड़ता है। अगर माइनक्राफ्ट के अंदर हेलीकॉप्टर और प्लेन होते तो भाई मजा ही आ जाता। ऐसे या फिर ऐसे प्लेन तो माइनक्राफ्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आप इंस्टॉल करते हो सिंपल फ्लाइट तो इसमें जो प्लेन और हेलीकॉप्टर है वो माइनक्राफ्ट को एकदम परफेक्टली सूट करते हैं। इनका डिजाइन एकदम बॉक्सी वाला होता है और माइनक्राफ्ट के जो टेक्सचर्स होते हैं वुडन वाले उनसे काफी ज्यादा मैच होता है, और उड़ते भी एकदम स्मूथ है। पर हमें 3 चीजें मिलती है, प्लेन, लार्ज प्लेन एंड हेलीकॉप्टर। वैसे तो ऑलरेडी इनकी स्पीड काफी ज्यादा सही होती है, लेकिन अगर आपको स्पीड और बढ़ानी तो आप इनके अंदर बूस्टर्स भी लगा सकते हो, फिर तो स्पीड भाई एकदम तगड़ी हो जाएगी। एंड आप चाहो तो अपना कोई फेवरेट एनिमल भी इसके अंदर बिठा सकते हो। और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा वेरिएंट्स है। माइनक्राफ्ट में जितनी भी टाइप का आपको वुड दिखेगी उतने ही टाइप के आपको यहाँ पे प्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर दिख जाएंगे। इन प्लेन में आप अलग अलग एक्सेसरीज भी लगा सकते हो, जैसे कि ये शूटर्स, इनके अंदर आप एरो डाल के हवा में बैठे बैठे सबको मार सकते हो। बाय द वे, अगर आपको ये वाली वीडियो अभी तक बढ़िया लग रही तो यार लाइक जरूर ठोक देना, 1 लाख लाइक कायम करते हैं। माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है? ऑब्वियसली नेदरराइट ही है। लेकिन अगर आप भी नेदरराइट से बोर हो चुके हैं मेरी तरह, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंडरराइट। जी हाँ, जैसे नेदरराइट होता है वैसे ये एंडरराइट है। तो नेदरराइट और हमें मिलती है नेदर में, इसको हम सिंपल डायमंड से माइन करते हैं और हमें मिल जाती है। जितना इजीली मैंने बता दी उससे काफी ज्यादा मुश्किल से मिलती है, लेकिन एंडरराइट की और हमें सिर्फ एंड डायमेंशन में मिलेगी। एंड इसको जाके आप सिंपल माइनिंग कर दोगे तो आपको 28 एंड स्टोन मिल जाएंगे। इसको पाने के लिए थोड़ी सी स्पेशल टेक्निक है, पहले इसके साइड में TNT लगाना पड़ता है, एंड फूटने के बाद ये क्रैक्ट एंडरराइट बन जाती है, एंड उसको माइन करके हम एंड्राइड और ले सकते हैं। जैसे और किसी और से हम काफी सारी चीजें और आर्मर बना सकते हैं, एंड्राइड से भी हम काफी सारे टूल्स और पूरा एक आर्म जो कि नेदरराइट आर्मर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर हम नेदरराइट के टूल्स लावा में डालते हैं तो ऊपर वो फ्लोट होने लग जाते हैं, जलते नहीं है। एंड्राइड के टूल्स के साथ भी यही होता है, लेकिन एक और स्पेशल चीज है, इनको अगर हम वॉइड में फेंकते हैं तो हवा में उड़ने लग जाते हैं अपने आप से। एंड एंड्राइड की जो स्वॉर्ड और एंड्राइड की जो शील्ड है उसमें स्पेशल पावर है, स्वॉर्ड से हम खुद टेलीपोर्ट हो सकते हैं, एंड शील्ड यूज करते हुए अगर आपको कोई एनिमी अटैक करता है तो वो खुद ही टेलीपोर्ट हो जाएगा। एंड इसमें सबसे ज्यादा तगड़ी चीज है ये चेस्ट प्लेट वाला इलाइट्रा, इसमें हमें इलाइट्रा लगाने के लिए चेस्ट प्लेट हटानी नहीं पड़ती, दोनों चीज एक साथ लग जाती है, प्रोटेक्शन भी हो जाती है और हवा में उड़ी सकते हो। तो ये तो सबको पता है कि माइनक्राफ्ट काफी एक ओल्ड थीम पे बेस्ड है। कहीं जाना होता है तो हम घोड़ा यूज करते हैं, किसी को मारने के लिए स्वॉर्ड यूज करते हैं, एकदम पुराना स्टाइल। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करते हैं मॉडर्न लाइफ तो आपका माइनक्राफ्ट थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा। एंड इस वाले मॉड में भाई कुछ ज्यादा ही चीजें डाल रखी है। अगर आपको अपना खाना रखना है फ्रिज यूज कर सकते हो, अगर आपको कपड़े धोने हैं, वैसे कपड़े तो होते नहीं है लेकिन फिर भी डेकोरेशन के लिए वॉशिंग मशीन भी है, अगर आपको बाथटब में नहाना है वो भी भाई यहाँ पे है। इवन इस वाले मॉड में भाई टॉयलेट भी है जो कि शायद हम कभी यूज भी ना कर पाए, डेकोरेशन के लिए तो रख ही सकते हैं ना। डेकोरेशन से रिलेटेड इसमें चीजें भाई कुछ ज्यादा ही भरी हुई है, सोफा,
टीवी, कैबिनेट एंड टेबल। भाई टेबल की तो हजार वैरायटी है, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, टीवी टेबल, इवन गेमिंग टेबल भी कुछ ज्यादा ही वैरायटी दे रखी है। एंड अभी तक आपको बेड ऐसा दिखता था जिसपे एक ही बंदा सो सकता है, अब कुछ ऐसा दिखने लग गया एकदम डीलक्स बेड, और साइड में अपने अलार्म क्लॉक भी रख सकते हैं। चल ये सारी तो डेकोरेशन वाली चीजें थी, अब इसमें कुछ वर्किंग चीजें भी है, जैसे कि ट्रैश कैन, जी हाँ इसमें चीजें डालते गायब हो जाती है। सीलिंग फैन, ये सिर्फ दिखावटी नहीं है, असली में चलता भी है रेडस्टोन से। या फिर एक फ्लैश लाइट, काफी ज्यादा कूल है ना। एंड सबसे ज्यादा मेन चीज जिसके लिए मैंने इसको इंस्टॉल करा है वो है ये बाइसाइकिल, दिखने में तो काफी ज्यादा सही लगती है, चलती थोड़ी बेकार है। एंड दूसरी चीज है ये कैमरा, मेरे को कैमरा काफी ज्यादा पसंद है। ये छोटे से कैमरा को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो और कितनी भी फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड उसके बाद प्रिंटर से इनको प्रिंट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो इसमें गिटार भी है, बड़ा ही वाहियात बजाया मैंने। अभी तक कोई फनी मॉड नहीं देखा ना, तो अभी मैं आपको जो मॉड दिखाने वाला हूँ वो एंडरमैन की इमेज एकदम गिरा के रख देंगे। तो एंडरमैन हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? वैसे तो हर जगह मिल ही जाते हैं, नेदर में भी मिल जाते हैं, अपने ओवरवर्ल्ड में मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें एंड डायमेंशन में, खासकर तो इन आइलैंड्स पे। लेकिन इन एंडरमैन के साथ हमें अब एंडर पिग्स भी देखने को। भाई यार ऐसे मॉड कौन बना रहा है? तो इस मॉड का नाम है भाई एंडर पिग, एंड अगेन जैसे इसका नाम है वैसे इसमें होता है एक्चुअल में। ये यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल वाली पिग को कैरेट दिखा के बुलाते हैं, इसको हम कोरस फ्रूट देख के बुला सकते हैं, और कोरस फ्रूट से इनको ब्रीड भी कर सकते हैं, और इनके बेबीज तो और भी ज्यादा भाइया दिखते हैं। दिखने में चाहिए पिग्स थोड़े स्ट्रेंज लग रहे हो, लेकिन काम भाई तगड़े आएंगे। जैसे कि इनके ऊपर आप सैडल लगा के और फिशिंग रॉड पे कोरस फ्रूट लगा के ट्रैवल भी कर सकते हो नॉर्मल पिग की तरह। एंड एंडरमैन की सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी क्या होती है? टेलीपोर्ट करना। तो इस वाली पिग की क्या स्पेशल एबिलिटी हो सकती है जरा सोचिए। जी हाँ सही समझे, इस वाली पिक पे भी हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं चलते चलते, क्या ही चाहिए भाई। और अगर हम लेदर की कैप पहना देते हैं उससे सनलाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये फैक्ट तो आपको पता होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई हैट पहनते हैं तो हमें कोई एडिशनल फायदा नहीं होता। एंड वहीं पे अगर हम इंस्टॉल करते हैं यूजफुल हैट तो दिखने में तो ये बढ़िया ही, काफी ज्यादा यूजफुल भी है। जैसे कि ये माइनिंग हेलमेट, आपकी माइनिंग इसमें 20% फास्टर हो जाएगी, अंधेरी वाली जगह पे आपको ये नाइट विजन भी देगा। या फिर ये विंग हेलमेट, ऊंचाई से गिरोगे तो भाई आपको स्लो फॉलिंग का इफेक्ट लग जाएगा। एंड ये बनी ईयर्स, दिखने में फनी लग रहे होंगे लेकिन आपको ये जंप बूस्ट भी देते हैं और आपकी ईटिंग प्रोसेस को भी एकदम फास्ट कर देते हैं। एंड ये एंडर हेलमेट तो बहुत ज्यादा सही है, एक बार आपको इसमें जगह सेट करनी होती है फिर आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, एक एंडर पल से सीधा वापस आ जाओगे। एंड सबसे ज्यादा तगड़ी इसमें हेलो हैट, सर्वाइवल में कोई भी मॉब आपको अटैक नहीं करेगा, क्रीपर भी नहीं। नेदर राइट से बोर हो रहे थे उनके लिए भाई एंडर राइट आ चुका है, मेरा कहने का मतलब मॉड। लेकिन अगर आप ओवर वर्ल्ड, नेदर या फिर एंड डायमेंशन से बोर हो चुके हैं तो फिर कहां जाओगे? एक जगह है ना, द आफ्टर लाइफ। जी हाँ ये वाला मॉड सच में ही काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये अपने गेम में बिल्कुल ही एक न्यू डायमेंशन खोल देता है जो नेदर और एंड के बीचों बीच पड़ता है। इसमें जाने के लिए हमें एक नेदर पोर्टल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, अंदर घुसते ही भाई यहाँ का नजारा ही चेंज हो जाता है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप माइनक्राफ्ट ही खेल रहे हो ना। एंड यहाँ पे भी भाई काफी सारी बायोम्स है, एकदम डार्क और क्रिस्टल वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे काफी सारा डेंजरस मॉब्स भी है, और इस वाले स्केलेटन से भाई दूर रहना काफी ज्यादा डैमेज देता है। एक ही वीडियो में तो आपको मैं सारी चीजें समझा नहीं सकता, आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी वाले मॉड की तरफ। मान लो कभी आप विलेजर के बेड के लिए घर से बाहर निकलते हो एंड सामने आपको बड़ी बड़ी क्राफ्टिंग टेबल और बहुत ही ज्यादा एक बड़ा सा बेड दिखता है, तो आप क्या करोगे भाई? मेरी तो हालत टाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ इस मॉड का नाम है चंकी नग्लोब, बहुत ही ज्यादा क्रेजी मॉड है ये, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट। इस वाले मॉड में क्या होता है कि हम माइनक्राफ्ट के एक चंक को एक छोटे से ग्लोब में डाल सकते हैं, वो भी पूरे एक छोटे से ब्लॉक में, एंड उसके बाद उसके अंदर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इस वाले मॉड में काफी सारे अलग अलग टाइप के ग्लोब है, जो भी आपको पसंद आए उसको प्लेस करना है एंड उसके बाद सीधा अंदर घुस जाना है। अब आप इसको एक छोटा सा चंक मांग सकते हो एंड इधर कुछ भी चीज बना सकते हो, और बाहर जाने के लिए सिंपल से आपको इस वाली जगह पे आना है और राइट क्लिक कर देना है और सीधा आप ग्लोब के बाहर पहुंच जाओगे। आप एक घर के अंदर भी एक घर बना सकते हो, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। एंड एक चीज इस ग्लोब के अंदर जाके बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बेड पे सोना। वैसे अगर साइज में बड़े छोटे होने वाला मॉड की अगर हम बात कर रहे थे, एक और मॉड आता है श्रिंक। इस वाले मॉड से हम अपने प्लेयर को एकदम छोटे से छोटा भी कर सकते हैं और एकदम जाइंट वाले ज़ॉम्बी जैसा बड़ा भी कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, अगर आप किसी और को छोटा या फिर बड़ा करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, बस एक ही टच करना है, वो आपकी साइज का हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस ये वाली वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं।